केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जहां प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे का इन्होंने वचन दिया था चुनाव के पहले, आज विधानसभा में 567 लोगों नौजवानों को ही नौकरी देने का इन्होंने काम किया। ये विधानसभा के उत्तर में आया है, इसलिए पूरी तरह से यहाँ के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। यहाँ के नौजवानों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम की राज्य की सरकार कर रही है। इसलिए इस राज्य की सरकार को नियोजन के मामले में नौजवानों का जो भावना है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उनके साथ, और साथ साथ इस राज्य में भ्रष्टाचार के तो पैमाने पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। कानून व्यवस्था, तुष्टीकरण की राजनीति, विकास की शून्यता, जिसकी चर्चा हम लगातार करते आए, पूरी तरह से इसके लिए यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार दोषी है। वित्तीय अराजकता का तो दृश्य हम सब लोगों ने कल ही देखा है, परसों 31 तारीख को मार्च लूट के नाम से एक दिन में 5,000 करोड़ से ज्यादा निकासी करने वाला ये राज्य पूरे देश का सबसे वित्तीय अराजकता वाला देश बन गया है। 10,000-11,000 करोड़ से ज्यादा पैसे लैप्स हो गए। राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कई योजनाओं का, डीजल देने का, पेट्रोल देने का, धोती देने का, साड़ी देने का, वो आज पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। ऐसे परिस्थितियों में झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुकूल, 3.5 करोड़ जनता के भावनाओं की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए 11 तारीख को पार्टी ने तय किया है कि राज्य के 32,000 गांव से यहाँ पर हम सब लोग एकत्र होंगे झारखंड के राजधानी रांची में, और एक ही नारा पूरे प्रदेश में होगा, रांची चलो, रांची चलो। इस राज्य से निजात मिले, रांची चलो। इस सरकार से निजात मिले, रांची चलो। इस ठगबंधन सरकार से निजात मिले, रांची चलो। और हम लोग पूरी तरह से तन्मयता के साथ एक विशाल प्रदर्शन करते हुए प्रोजेक्ट बिल्डिंग का, हम सब लोग जिसको कह सकते हैं सचिवालय जिसको हम कह सकते हैं, उसका हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और हम सरकार को घुटने टेकने के लिए विवश कर देंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।